यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। योगी राज में जहां एक ओर पुलिस अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं, वहीं अब अपराधी योगी के ही विधायकों को धमकी देने लगे हैं। जी हां, यूपी में बीजेपी के एक दो नहीं बल्कि 6 विधायकों समेत 8 नेताओं को धमकी देकर 10-10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। 3 दिन में रंगदारी न देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। सभी नेताओं से रंगदारी मांगने में एक जैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने इन नेताओं की सुरक्षा को बढ़ाकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। लखनऊ में रह रहे सीतापुर के मोहली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी ने इस मामले में महानगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि सोमवार रात 2 बजे मैसेज भेजकर रंगदारी मांगी गई है। वहीं तरबगंज विधायक प्रेम नारायण पांडे और मेहनौन विधायक विनय कुमार द्विवेदी ने हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज कराया है। सभी भाजपा नेताओं को अलग नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज किया गया। इसमें लिखा है, मैं हूं अली बुदेश भाई, अगर आप अपनी और परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो 3 दिनों में 10 लाख की व्यवस्था करें। मुझे पता है कि आप पैसे की व्यवस्था तब तक नहीं करेंगे जब तक अपने परिवार का एक मृत शरीर आप नहीं देख लेंगे। हम वादा करते हैं कि 3 दिनों के बाद एक एक करके हत्या करना शुरू कर देंगे। आपके पास केवल 3 दिन है, मेरा व्यक्ति आपके पास करीब है और समय बर्बाद मत कीजिए। इस पर पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र गौतम हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, खुली धमकी यहां पर दी जा रही है विधायकों को, साथ ही पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही धमकी देने वाले को पकड़ लेगी, क्या लगता है? जी मैम, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बुलंदशहर के डिवाई की जो विधायक हैं, उन्हें धमकी दी गई है। लगातार 3 दिन से लगातार धमकी दी जा रही थी और आज उनका 3रा दिन है। कल भी उन्हें धमकी दी गई थी और उससे पहले भी लगातार धमकी दी जा रही थी। ऐसे में उन्होंने पुलिस को एक शिकायत पत्र लिखा है और उनसे जांच की मांग की है और उन्हें रिलीफ करने की बात कही है। तो वहीं हमारी पुलिस अधिकारियों से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने एसटीएफ को लगाया हुआ है और लगातार जो है इस पर जांच चल रही है। नंबर को सर्विलांस किया गया है और दुबई से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार मतलब पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से जो है ये धमकी देने वाले हैं, जो मैसेज दे रहे हैं, ऑडियो मैसेज दे रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जितेंद्र, अभी तक पुलिस ने जो जांच की है, अभी तक की जांच की बात कर ली जाए तो उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया है पुलिस की जांच में? जैसे कि अभी बताया जा रहा है कि जैसे कि जो पुलिस अधीक्षक से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल जो है कार्रवाई वो कर रहे हैं, पूरी जांच कर रहे हैं। फिलहाल वो उस जांच को गुप्त रखे हुए हैं क्योंकि इसके तार विदेश से जुड़े हुए हैं, इस वजह से वो खुलकर जानकारी तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन साफ कह रहे हैं कि वो पूरी जी तोड़ मेहनत कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बदमाश को पकड़ा जाए और इस तरह की धमकियां जो है बार बार ना दी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार पुलिस की ओर से कोशिश की जा रही है कि धमकी देने वाले को पकड़ा जाए। बीजेपी के 6 विधायकों को धमकी मिली है और कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने की बात भी उनकी ओर से कही गई है।